हाँ भाई, तो कैसे हो सभी। चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो अपन सभी यूएफ फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है, वाई सिंगस्टर लेफ्ट हनी पाजी इस ग्रुप, व्हाट वाज द रीज़न। आज तक ओपनली भी बात नहीं करी है सिंगस्टर ने कि वो हनी पाजी के साथ में इतने साल काम करने के बाद भी उनका ग्रुप छोड़ दिया। कुछ तो रीज़न होगा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, सब कुछ क्लियर कर देगा प्रूफ के साथ में। तो शेवी जो कि सिंगस्टर के भाई हैं, फोटोज़ वगैरह आप देख सकते हो साथ में, तो इन्होंने जो है, मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरा एक भाई है जिसने बहुत देर तक कन्वर्सेशन करी और मुझे पता चला कि सिंगस्टर ने आखिरकार क्यों हनी पाजी के साथ में काम करना बंद किया था। देखो भाई, अपन सभी ने फालतू की बातें बनाई हैं, सिंगस्टर ने धोखा दिया, ये वो बहुत सी बातें बनाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ रीज़न नहीं है भाई। देखो, सिंगस्टर चाहते थे इंडिपेंडेंटली काम करना, बहुत टाइम तक हनी पाजी के साथ में काम करा, तो सिंगस्टर ने जो है हनी पाजी को खुद बोल के कि पाजी अब मैं इंडिपेंडेंटली खुद अकेला ग्रो होना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। तो हनी पाजी ने यही बोला था कि भाई तू बहुत आगे जाए और तेरी मैसिव ग्रोथ हो, तो हनी पाजी ने अभी खुद सामने से बोला था कि कोई बात नहीं, तुम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। तो इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था बिल्कुल भी, और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और भाई चांसेस हैं कि सिंगस्टर इन फ्यूचर हनी पाजी के साथ में वापस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो भाई कोई हेट नहीं है, अब फालतू की कहानी नहीं बनानी है। ये लोग जो है भाई अपनी मर्जी से अलग हुए हैं, सिंगस्टर को इंडिपेंडेंटली काम करना था। आखिर भाई हर किसी आर्टिस्ट की एक यही सोच होती है कि कुछ टाइम किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ में काम करे, देन उसके बाद से खुद अकेले काम करे, ताकि यार नाम वगैरह हो जाए और उसके बाद से इंडिपेंडेंटली अपन अकेले काम कर सकें। आखिर कब तक अपन किसी भी आर्टिस्ट के साथ में काम करते रहेंगे, एक ये भी सोच होती है हर एक आर्टिस्ट की, तो गलत कोई भी नहीं है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। चलो बाकी इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं। तो अपन सभी को ये तो पता है हनी पाजी का जल्दी एक ट्रैक आने वाला है सलमान खान की अपकमिंग मूवी में, किसी का भाई किसी की जान में, और हनी पाजी ने ऑलरेडी इस चीज़ की अनाउंसमेंट एक साल पहले कर दी थी, ट्रैक का नेम भी रिवील कर दिया था और गा के भी सुना दिया था। ट्रैक का नेम था बेबी आई एम इन लव विद यू, और कुछ ऐसा भी पता चला था कि इस ट्रैक में हनी पाजी के साथ में काम करने वाले हैं देवीश्री प्रसाद, जो कि भाई साउथ इंडिया के एक ग्रेट म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, तो वो इस ट्रैक में म्यूजिक भी देने वाले हैं एंड कंपोजिशन भी करने वाले हैं। हनी पाजी सिर्फ गाएंगे एंड रैप देंगे, एंड इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, हनी पाजी फर्स्ट टाइम फीचर करने वाले हैं सलमान खान के साथ में। तो अभी भाई रूमर्स कुछ ऐसे फैल रहे हैं कि इस मूवी के ऑलरेडी दो गाने ड्रॉप हो चुके हैं, नहीं यूं लगता, और इसके अलावा बिली बिली। अब जो थर्ड ट्रैक होने वाला है वो हनी पाजी का होने वाला है, जो कि इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है या फिर आने वाले टाइम में जल्दी देखने को मिल जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी मिल सकता है। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ भी आ रही है कि इस ट्रैक का नेम भी रिवील हो चुका है, और भाई थोड़ा अजीब सा नेम है, मतलब सुन के अजीब सा लग रहा है। हनी पाजी ने कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो गाने का नाम हो सकता है नाचेंगे अपनी लुंगी उठाकर, तो ये थोड़ा फनी है। बाकी लेट्स सी यार क्या होने वाला है, और कंपोजिशन और म्यूजिक हनी पाजी का नहीं रहेगा, डीएसपी का रहेगा, और भाई उनका भी खतरनाक काम होता है। हनी पाजी अपना रैप देंगे, ऊपर से फीचरिंग होगी, तो कौन कौन वेट कर रहा है भाई, एक्साइटेड कौन कौन है कमेंट में बता दो। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं अपनी वीडियो के थ्रू। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हनी पाजी के यूट्यूब चैनल से होमी दिल्ली वाला का एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है जिसका नाम है EMI, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हनी पाजी ने इसमें बहुत खतरनाक म्यूजिक दिया है। और बाकी इसके अलावा आज मैंने सुबह वीडियो डाली थी, अगर नहीं देखी है तो जाके चेक कर लेना, लिंक दे दूंगा। तो बस अपडेट्स खत्म, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।